सबको सुबह की शुभकामनाएं। नाउ लेट्स स्टार्ट, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना नमस्कार चाहिए। सर। नमस्कार, वेरी गुड, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। सो निम्मी निवेदिता, एवरीबडी गुड मॉर्निंग। व्हाट आई एम स्टार्टिंग विद, पेशेंस खो रहे थे। अच्छा, वैसे तो मैं 9 बज के 2 या 3 मिनट पे आता हूँ, क्लास भी जब चलता है तो भी मैं 2-3 मिनट लेट आता हूँ, ताकि एक बार आप लोग आ जाएं। व्हाट हैपेंस इज कि फिर बीच में ज्वाइन करना शुरू करते हैं। तो उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था पे टू एबिलिटी टैक्स या एबिलिटी टू पे टैक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे बेनिफिट थ्योरी और फिर दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे। बेनिफिट प्रिंसिपल जो है वो एक आदमी ने नहीं दिया, बहुत सारे आदमियों ने दिया है। बेनिफिट प्रिंसिपल का मतलब बिल्कुल वही होता है कि हर आदमी को उतना ही बेनिफिट मिलना चाहिए जितना कि उसको सरकार जो है लाभ प्रदान कर रही है। लेकिन एक फर्क है, देर इज ए डिफरेंस। बेनिफिट सड़क का है, सपोज द गवर्नमेंट इज मेकिंग रोड, तो सड़क का बेनिफिट सबको एक बराबर नहीं मिलता। आप कहेंगे कैसे? देर आर वॉकर्स, जो पैदल चलने वाले हैं, तो उनको सड़क का जो बेनिफिट है मिलता है, साइकिल वालों को भी मिलता है, मोटरसाइकिल वालों को भी मिलता है, कार वालों को भी मिलता है, ट्रक वालों को भी मिलता है, बस वालों को भी मिलता है। लेकिन वो सड़क का कितना एडवांटेज लेते हैं, दैट इज डिफरेंट। यानी एवरीवन गेट्स ए डिफरेंट लेवल ऑफ बेनिफिट फ्रॉम द सेम पब्लिक गुड। मच्छर मारने की दवाई फेंकी गई, सब घरों में गई। किसी का बेचारे का एक कमरे का मकान है, ही इज बेनिफिटेड लेस। किसी का बहुत बड़ा बंगला है, ही इज बेनिफिटेड मोर। यहां पर ध्यान से देखिए, हर आदमी हर गवर्नमेंट एक्टिविटी का इक्वल प्रॉफिट नहीं ले पाता। कुछ लोग किसी में ज्यादा लेते हैं, कुछ लोग किसी में ज्यादा लेते हैं। ये जो थ्योरी है बेनिफिट थ्योरी, इसमें कहीं ना कहीं एबिलिटी टू पे भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव ए कार, आई विल डिमांड मच बेटर रोड्स। मुझे अच्छी सड़कें चाहिए ही, बिकॉज अदरवाइज माई कार विल नॉट बी एबल टू वर्क। अच्छी चलेगी नहीं, उसमें नुकसान होगा, बहुत गड्ढे होंगे तो प्रॉब्लम्स होंगी, एयर फिलिंग की, टायर खराब होने की, ट्यूब खराब होने की। तो मैं ज्यादा पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। एज अगेंस्ट जो आदमी पैदल चल रहा है, वो गड्ढे देख के धीरे धीरे चल रहा है, उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारे पास एक स्पोर्ट्स कार है 18 करोड़ की, 15 करोड़ की, उसके लिए अगर हाईवे नहीं बना हुआ है तो इट विल बिकम ए प्रॉब्लम फॉर अस। तो एक बात ध्यान में रखनी है कि जो थ्योरी ऑफ बेनिफिट है, जिसको हम बेनिफिट थ्योरी के नाम से पुकारते हैं, वैसे तो ये थ्योरी जो है जनरली हम लोग कहते हैं कि इट इज गिवन बाय द नेम ऑफ बेनहम एंड अदर्स, लेकिन ये एबिलिटी टू पे थ्योरी का ही एक तरीका है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड्स ऑफ पे टू एबिलिटी थ्योरी। तो जो बेनिफिट थ्योरी है, एक्चुअली इट कंबाइन्स टू प्रिंसिपल्स। एक प्रिंसिपल ये है कि अगर सरकार हमको कुछ लाभ देती है तो उसके बदले में टैक्स मिलना चाहिए। गवर्नमेंट बेनिफिट्स अस, ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज बेनिफिट अस, वेदर इट इज डिफेंस, वेदर इट इज मजिस्ट्रेट, सिक्योरिटी, पुलिस, वेदर इट इज रोड्स, ब्रिजेस, एंड एवरी प्लेस द गवर्नमेंट बेनिफिट्स एंड सो वी मस्ट पे द टैक्सेस। हमको तो टैक्स देना ही चाहिए, क्योंकि हमको बेनिफिट मिल रहा है तो हमको टैक्स देना चाहिए। एबिलिटी टू पे थ्योरी कहती है, व्हाट इट इज जस्ट सेज, कि एवरीवन शुड सेक्रीफाइस अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, जितनी उसकी क्षमता है। रिच शुड पे मोर, स्मॉल शुड पे लेस। नेचुरली कारण बिल्कुल साफ है, अगर मेरे पास 100 ही रुपए हैं तो मैं कितना टैक्स दे पाऊंगा? जिसके पास 10 लाख रुपए हैं, ही विल बी एबल टू गिव मोर टैक्स। तो जो कर देय क्षमता, दैट मींस एबिलिटी टू पे, डिफर्स बिटवीन इंडिविजुअल्स। इसीलिए जो एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल थ्योरी है, उसमें ज्यादा, एक डायग्राम ने बनाया था वो अलग है, लेकिन जो ज्यादा जोर देना था किस चीज पर देना था? हॉरिजॉन्टल इक्वलिटी एंड वर्टिकल इक्वलिटी। यहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्विटी का मतलब बड़ा क्लियर होना चाहिए। एक ऑफिस है, उस ऑफिस में एक ऑफिसर है, एक क्लर्क है, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो तो उनका सोशल स्टेटस है।
अगर नया ऑफिसर अपॉइंट हुआ, उसकी तनख्वाह मान लीजिए 50,000 है, और कोई बहुत पुराना क्लर्क है जिसकी तनख्वाह 50,000, हम क्या मानेंगे? बोथ शुड पे द सेम लेवल ऑफ टैक्सेस। इफ आवर इनकम्स आर सेम, द लेवल ऑफ टैक्सेस शैल बी सेम। दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल इक्विटी। हॉरिजॉन्टल मीन्स इफ यू आर ऑन द सेम हाइट, अगर आप एक ही समान ऊंचाई पर हैं तो आपको बराबर माना जाना चाहिए, आपका सोशल स्टेटस नहीं देखा जाना चाहिए। वर्टिकल इक्वलिटी इज इंटायरली डिफरेंट। वर्टिकल माने मेरी 50,000 है, आपकी 5 लाख है, किसी की 2 लाख है, तो उनके लेवल ऑफ टैक्सेस अलग होना चाहिए। तो ये जो वर्टिकल इक्वलिटी और हॉरिजॉन्टल इक्वलिटी है, इसको पे टू एबिलिटी सिद्धांत का आधार माना जाता है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्वलिटी पाने के लिए हम कौन सा सिद्धांत बनाते हैं? एबिलिटी टू पे थ्योरी। और एक बार जब वो इक्वलिटी हमने डिफाइन कर ली, दीज पीपल गेट मोर देन 5 लाख, दीज पीपल गेट मोर देन 2 लाख, दीज पीपल गेट मोर देन 50,000, फिर हमने सबके एक टैक्स स्लैब बना दिया। यू विल पे 5% टैक्स, यू विल पे 10% टैक्स, यू विल पे 15% टैक्स, यू विल पे 20% टैक्स। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक टैक्स बेस बना दिया। ये टैक्स बेस कैसे बनाते हैं, उसके लिए मैंने वो डायग्राम बनाया था कि इक्वल एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस दिखाएं, या इक्वल प्रोपोर्शनल सेक्रीफाइस दिखाएं, या इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस दिखाएं। उस डायग्राम को मैं दोबारा बना दूंगा, मैंने आपसे वादा किया था, आई विल मेक दैट डायग्राम वंस अगेन। वो कब बनेगा? पहले आपको डिफाइन करनी पड़ेगी वर्टिकल इक्वलिटी और हॉरिजॉन्टल इक्वलिटी, और फिर ये बताना पड़ेगा कि एबिलिटी हम इनकम पर डिफाइन कर रहे हैं या प्रॉपर्टी पर डिफाइन कर रहे हैं, और कौन सा प्रिंसिपल अपना रहे। तो एबिलिटी टू पे टैक्स थ्योरी अलग है और प्रिंसिपल अलग है। प्रिंसिपल कौन सा था? लीस्ट एग्रीगेट सेक्रीफाइस। दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगर लीस्ट एग्रीगेट सेक्रीफाइस का प्रिंसिपल आता है तो इट इज इंटायरली डिफरेंट, और अगर एबिलिटी टू पे थ्योरी आती तो बिल्कुल अलग। जब हम बेनिफिट थ्योरी की बात करते हैं तो इट इज इंटायरली डिफरेंट। इट बिलीव्स ऑन टू प्रिंसिपल्स। वन प्रिंसिपल इज वेरी सिंपल, बिकॉज गवर्नमेंट बेनिफिट्स अस सो वी शैल पे द टैक्स। इट डिपेंड्स अपॉन द बेनिफिट्स। हायर द बेनिफिट्स हायर द टैक्सेस, लोअर द बेनिफिट्स लोअर द टैक्सेस। अगर सरकार ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध करा रही है तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, अगर सरकार कम सुविधाएं उपलब्ध करा रही है तो हम लोगों को कम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ एक दूसरी चीज भी है, और दूसरी चीज क्या है? अपने आप इसमें एबिलिटी जुड़ गई। कैसे जुड़ गई? बेनिफिट्स आर डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल, डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल। हर व्यक्ति के लिए जो सरकार बेनिफिट देती है वो भी डिफरेंट है। पुलिस है, चोर को पकड़ने के लिए पुलिस है, वंडरफुल। लेकिन जिसके घर में कोई सामान ही नहीं है, जो बहुत गरीब है, हु इज वेरी पुअर, उसकी पुलिस क्या मदद करेगी? जिनके घर चोरी होगी वो कौन लोग होंगे जिनके घर चोरी लायक सामान होगा? तो पुलिस विल ऑल्सो हेल्प दोज हु आर रिच। द मजिस्ट्रेट या कोर्ट्स या एडवोकेट्स विल ऑल्सो हेल्प दोज हु आर रिच। द रोड्स विल ऑल्सो हेल्प हु आर रिच। तो ये जो बेनिफिट का लेवल है वो डिफरेंट है। तो ये जो बेनिफिट का लेवल अगर डिफरेंट है तो लोगों का लेवल ऑफ टैक्स भी अलग होना चाहिए। और ये बेनिफिट क्यों अलग है? बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी, बिकॉज ऑफ देयर पावर, बिकॉज ऑफ देयर इनकम, बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टी। तो ये संपत्ति आय या जो भी आप जिन चीजों को जोड़ते हैं वो इनडायरेक्टली बेनिफिट थ्योरी में भी आता है। तो बेनिफिट थ्योरी में लिखना क्या है? सबसे पहले तो लिखना है कि बेनिफिट थ्योरी सिंपली स्टेट्स दैट एवरीबॉडी गेट्स द बेनिफिट ऑफ पब्लिक सर्विसेज, कि सारे लोग बेनिफिट पाते हैं सेवाओं का। मैं प्रेजेंटेशन भी करता चलूं तो ज्यादा आराम हो जाएगा, लिखता भी जाऊंगा, और मैं दो डायग्राम बनाऊंगा। अगर आपको बेनिफिट थ्योरी पर आए तो इन दो डायग्राम्स पर आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि दिस वुड बी मोर यूजफुल फॉर यू पीपुल, राइट? अब स्क्रीन आ गई है, हैव यू सीन, कैन यू लुक एट द स्क्रीन? यस सर। थैंक यू। सो नाउ यू आर टॉकिंग ऑफ बेनिफिट थ्योरी। किसके नाम से देंगे? मैंने जिम्मे वो नहीं लेता, सेलिंगमैन के नाम से दे सकते हैं, किसी के नाम से भी दे सकते हैं, बिकॉज दिस थ्योरी हैज बीन रिपोर्टेड बाय मेनी, इवन डाल्टन आल्सो डिस्कस दिस थ्योरी।
लाभ का सिद्धांत। तो जो गवर्नमेंट है, जो भी एक्टिविटी करती है, वॉट एवर गवर्नमेंट डज, जो भी सरकार काम करती है, इट बेनिफिट्स द सोसाइटी। ये जो है, सरकार जो काम करेगी इससे समाज को लाभ प्राप्त होगा। सोसाइटी हैज टू पे द टैक्सेस, इसके बदले में सरकार को टैक्स भी देना पड़ेगा। अब इससे पहले जो सर्विस थ्योरी पढ़ी थी, वो कौन सी सर्विस थ्योरी थी, जरा उसको अलग भी समझ लीजिए। वो थी कॉस्ट ऑफ सर्विस, जो सर्विस की लागत है, सेवा लागत सिद्धांत, वो बिल्कुल मीनिंगलेस है। यानी जिसको जितनी सेवा मिले उस हिसाब से हम लोग दें। हम यहां एक्सक्यूज पर ले मी तो कह रहे कि सरकार सेवाएं प्रदान करेगी, उसका काम है, बेनिफिट देगी, और सरकार सर, क्या हुआ? एक्सक्यूज मी सर, पर आप जो लिख रहे हैं वो दिख स्क्रीन रहा दिख रही है? सर, गूगल दिख रहा है, गूगल दिख रहा था सर। ओके 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 अब अभी कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर, वो लिफ्ट हो गया है आपका वो वाला। अच्छा कोई नहीं होगा, कहीं नहीं जाएगा, जाएगा नहीं, फिर आएगा। अब आ गया, यस बस। सर, हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई बाहर से फोन करने लगता है इसी 9 से 10 के बीच में, उसको मिटाते मिटाते इधर देखना भूल जाता हूं कि क्या लिखना क्या नहीं लिखना। अब तो आ गया ना, देर इज नो प्रॉब्लम है सच। तो ये जो सेवा लागत सिद्धांत है, ये कुछ अलग चीज है, इसको इससे मत जोड़िए। बेनिफिट थ्योरी तो सिर्फ ये कहती है कि सरकारी क्रियाएं बेनिफिट प्रदान करती हैं, इसलिए सोसाइटी को टैक्स देना पड़े। ये बेसिक थ्योरी को हम जब आगे एक्सप्लेन करते हैं पार्ट ए के साथ बी, तो क्या प्रदान करते हैं कि जो गवर्नमेंट एक्टिविटी होती है वो हर एक को बराबर सेवा प्रदान नहीं करती, करना भी नहीं है, क्योंकि उसका काम है सड़क बना देना। अब सड़क से कितना लाभ किसको मिलेगा ये तो हम नहीं तय कर सकते, पुलिस से किसको कितना लाभ मिलेगा दिस वी डिड नॉट डिसाइड। तो आखिर हम कैसे इस चीज को तय करें कि किसको कितना लाभ मिलेगा और कितना पेमेंट करेगा, इसी के लिए जो सेकंड पार्ट आता है उस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या आता है जरा ध्यान से देखिए, इसका नाम ही अलग हम कर देंगे, इसको कर देंगे वॉलेंटरी एक्सचेंज थ्योरी। यही आपको इम्तिहान में लिखना है अगर ये आ गया तो, वॉलेंटरी एक्सचेंज थ्योरी, ऐच्छिक विनिमय सिद्धांत। इसको बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने दिया, लेकिन क्योंकि मैं दो लोगों के बारे में पढ़ाऊंगा, एक एरिक लिंडहाल के बारे में पढ़ाऊंगा, लिंडहाल, और एक बावन के बारे में पढ़ाऊंगा। इसको ज्यादा डिटेल में लिखना, ये तो बहुत छोटा सा लिखना है, इसमें तो ज्यादा लिखना नहीं है। हमने अभी क्या सर किया, एरिक, बावन मॉडल, लिंडहाल, बावन, BOWEN, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना चाहिए, शायद समझ में आ जाए। सर बड़ा बड़ा लिखते हैं। बड़ा बड़ा लिखते हैं, बहुत पेज बदलने पड़ते, कोई बात नहीं, आई डू इट। तो ध्यान से समझना क्या है, ये क्या कहते हैं, व्हाट डू दे से। सरकारी सुविधाओं से लाभ मिलता है, बिल्कुल ठीक है, किसी को लाभ ज्यादा मिलता है, किसी को लाभ कम मिलता है, ये भी ठीक है। कौन कितना पेमेंट करे इसको कैसे निर्धारण करें, मेथड क्या होना चाहिए, एल्गोरिथम क्या होना चाहिए, प्रोसेस क्या होना चाहिए, उसके लिए इन लोगों ने थ्योरी दी जिसका नाम दिया वॉलेंटरी एक्सचेंज थ्योरी। वॉलेंटरी एक्सचेंज का क्या मतलब है, हम लोगों से कहें एक मोहल्ले में जाकर कि भाई हम आपके सामने सड़क बनाने जा रहे हैं, वी वॉन्ट टू मेक ए रोड, आप कितना कितना पैसा देने को तैयार हो। तो निश्चित रूप से जो कार वाला होगा वो ज्यादा देने को तैयार होगा, क्यों, क्योंकि कार चलाने में बड़ी सुविधा होगी।
साइकिल वाला शायद और कम देने के लिए तैयार हो, मोटरसाइकिल वाला ज्यादा देने को तैयार हो, पैदल चलने वाला कहे भाई मैं क्यों दूं, मैं तो वैसे ही चला जाता हूं, मुझे पगडंडी मिल जाए तो, नहीं तो मैं ऐसे ही चला जाता हूं, आई एम नॉट गोइंग टू पे टैक्स। अब यहां पर ये सोचिए, ऐच्छिक विनिमय, विनिमय आप कर रहे हैं किसका, सड़क से पैसे का, यानी पैसे देकर आप सड़क बनवा रहे हैं, ये क्या है विनिमय, एक्सचेंज, इसी को एक्सचेंज कहते हैं, हमने पैसा दिया बदले में, सेब लिए हमने पैसा दिया बदले में, कोई वस्तु खरीदी। अगर हम पैसा दे करके सड़क खरीदने की बात करें तो ये क्या हुआ, ऐच्छिक विनिमय। अपने आप बताओ भाई तुम कितना पैसा दे सकते हो, कितना पैसा नहीं दे सकते हो, और उस हिसाब से हम ये देखें कि अगर आप लोग जितना पैसा दे सकते हैं उस पर सड़क बन सकती है तो हम लोग उस सड़क को बनाएं, यानी जो टैक्स आप देंगे वो उस रोड को बनाने के लिए देंगे, जहां पर लोगों का पैसा देना बराबर हो जाएगा, देन विल मेक रोड, अदरवाइज सरकार उस ऑब्जेक्ट को छोड़ दे, उस काम को ना करे। ये एक अजीब ढंग का सिद्धांत है, माने आप सरकारी सेवाएं खरीद रहे हैं, लेकिन खरीद कैसे रहे हैं भाई, जितना आप पे पैसा होगा, अगर आप पे कम पैसा है तो आप क्लास थर्ड में जाएंगे या आप स्लीपर क्लास में जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप AC 3 में जाएंगे, AC 2 में जाएंगे, AC 1 में जाएंगे। आप क्या कर रहे हैं, रेलवे की सुविधा खरीद रहे, ध्यान से समझने की बात है, रेलगाड़ी में कोई फर्क नहीं है, जितने बजे प्रयागराज से छूटना है उतने ही बजे छूटेगी, जितने बजे दिल्ली पहुंचना है उतने बजे पहुंचेगी, स्लीपर का डब्बा पहले नहीं पहुंचेगा, एसी का डब्बा पहले नहीं पहुंचेगा, सब अलग, बट वी आर रेडी टू पे मोर, वी विल टेक मोर बेनिफिट्स, हमारे लिए सीट अलग रिजर्व होगी, हमारे लिए कंडक्टर होगा, हमारे में एसी लगा होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। उसी तरह रोड, हम चाहते हैं रोड, तो जितने ग्रामीण लोग हैं उनका पगडंडी से ही काम चल जा रहा है, लेकिन अगर हमें साइकिल चाहिए तो कम से कम 3 फुट की अगर एक रोड बन जाती अच्छा था, मोटरसाइकिल वाले कहेंगे 6 फुट की रोड होनी चाहिए, कार वाले कहेंगे नहीं 14 फुट की रोड होनी चाहिए, देन दे शैल बी एबल टू पे मोर। तो अगर आप सरकारी सेवाओं को खरीदें, इफ यू वॉन्ट टू परचेज द गवर्नमेंट सर्विसेज वॉलेंटरली, वॉलेंटरली माने हम आपसे खुद कह रहे हैं भैया बताओ कितना पैसा देने की तैयार रहिएगा। एक बात याद रखिए, हम सिर्फ ये बात कह रहे हैं, इसका तरीका भी पढ़ेंगे, वरना पब्लिक गुड्स के लिए सबसे चीज इंपॉर्टेंट क्या होती है, फ्री राइडिंग बिहेवियर। अगर सरकार सड़क बनाएगी तो रोक थोड़ी लगी कार वाले को, सड़क वाले को, मोटरसाइकिल वाले को, तो ये जो फ्री राइडिंग बिहेवियर है इसको हमने क्या मान लिया है, जीरो। हमने सरकार के यानी देश के नागरिकों को क्या मान लिया है, कर्तव्य परायण, दैट दे आर वेरी वेरी ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, सिंसियर, एंड दैट इज वाई दे विल बी रेडी टू पे, बिकॉज दे आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट ऑफ द सर्विस। तो वॉलेंट्री एक्सचेंज जो थ्योरी है वो हमको क्या बतलाती है कि मान लीजिए कि हमको सरकार की द्वारा दी गई सेवाओं का भुगतान करना पड़े, कुछ ऐच्छिक दर से भुगतान करना पड़े, तो हम कैसे भुगतान करेंगे, इसके बारे में वो थ्योरी हम लोगों को बतलाने की कोशिश करती है। अब हम इस थ्योरी के दो, वैसे तो बहुत सारे राइटरों ने दिए हैं, लेकिन हम दो लोगों के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम कहेंगे बावन मॉडल, और कुछ एजम्पशंस ले ले रहे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, इट्स वेरी इजी टू एक्सप्लेन द थ्योरी, लेकिन हम कुछ आसानी से समझाने के लिए ले रहे हैं। तो जो पहला डायग्राम बना रहे हैं वो बावन मॉडल बना रहे हैं, ध्यान से रखिएगा, कभी कभी आप जो किताबें पढ़ते हैं उसकी हेडिंग गलत भी हो सकती है, मैं इसके बारे में बात नहीं करूं। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, पब्लिक गुड्स की हमने बहुत सारी विशेषताएं पढ़ी, बहुत सारी विशेषताएं पढ़ी, एक सेकंड में याद दिला देता हूं जो लोग क्लास में नहीं रहे होंगे, दे आर नॉन राइवल, एक के इस्तेमाल से दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता, दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल, गैर वर्जन, एक आदमी को इसकी सेवाओं से हटाया नहीं जा सकता, इसमें फ्री राइडिंग बिहेवियर होता है, आदमी मुफ्त में पाने की कोशिश करता है, इसमें सरकार की फंडिंग की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इसके बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा मिलते जाएं,
और भी बड़ी विशेषताएं होती है, लेकिन इसकी एक और विशेषता हो जाती है इन दोनों की वजह से, वो क्या होती है, जा समझें, जो डिमांड होती है, मार्केट डिमांड एक होती है और पब्लिक गुड्स की डिमांड अलग होती है। जरा समझ ले क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मैंने इसको पढ़ाया है, अभी मैं डायग्राम से समझा देता हूं। मार्केट गुड्स की जो डिमांड होती है, उसमें मार्केट डिमांड कैसे निकालते हैं, ये है ए की डिमांड, ये है बी की डिमांड। अगर दोनों की डिमांड निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, इतना ए प्लस बी दोनों मिलाकर आ गया, ये हो गई मार्केट डिमांड। यानी हम कैसा एडिशन करते हैं, ध्यान से देखते जाइए, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज, इसने 4 सेब मांगा इस दाम पर, इस दाम पर माने कोई दाम ले लिया 100 रुपए किलो, इसने 4 सेब मांगा, इसने 6 सेब मांगा, टोटल डिमांड 10 हो गई। लेकिन क्योंकि पब्लिक गुड्स में डिमांड यही है, लेकिन इसको नापते तीसरे ढंग से हैं, इसको वर्टिकली नापते हैं, वर्टिकली नापते हैं। अगर देखें तो ये मिलाकर टोटल डिमांड कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखिए, ऐसे आ जाएगी। क्यों ऐसा होता है इसको समझिए, मैंने पढ़ाया था। इसमें क्या होता है, केवल कौन सी कॉस्ट लगती है, फिक्स्ड कॉस्ट लगती है, सड़क बन गई तो बन गई, इसमें मार्जिनल कॉस्ट नहीं लगती। यहां तो जितने सेब पैदा करोगे उसकी एक कॉस्ट आएगी, तो जो मार्केट डिमांड्स होती हैं वो मार्जिनल कॉस्ट के आधार पर बनती हैं। यहां मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू जीरो, इसलिए हमेशा याद रखिए कि पब्लिक गुड्स की डिमांड को कैसे नापते हैं, वर्टिकल, और मार्केट डिमांड्स को कैसे नापते हैं, हमेशा हॉरिजॉन्टल। ये बड़ा दिमाग में क्लियर होना चाहिए, जब तक ये क्लियर नहीं होगा बहुत मुश्किल होगा। ये थ्योरी ये बता रही है कि टैक्स कैसे लगेगा, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हम लोग बात करें कि एक शहर में केवल दो आदमी रहते हैं, केवल दो आदमी रहते हैं, और वो दोनों आदमियों की सड़क की डिमांड है, इतना पैसा देंगे अगर सड़क बनाने को तैयार हो जाएं तो, और नेचुरली सड़क की चौड़ाई बढ़ती जाएगी तो वो पैसा कम देने को तैयार हो जाएंगे। दूसरे आदमी की डिमांड उसके पास मान लीजिए थोड़ी सी ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, इसके पास साइकिल, उसके पास मोटरसाइकिल है। अब ध्यान से देखिए कि जो सप्लाई कॉस्ट होगी सड़क की, सप्लाई कॉस्ट माने जो सड़क को बनाने की लागत होगी, वो एक पड़ी हुई रेखा के रूप में होगी, इट विल बी लाइक दिस। क्यों, क्योंकि सड़क की क्या कॉस्ट है, केवल फिक्स्ड कॉस्ट, ज्यादा चलने से सड़क की लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहला वाला आदमी 6 बार जाए, दूसरा वाला आदमी 12 बार जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा ध्यान से देखिए, सड़क की कॉस्ट इतनी है, अगर इस व्यक्ति का नाम ए रख दें, इसका बी रख दें, मान लीजिए इतने पर हम तय करें, तो ये आदमी इतना टैक्स देने को तैयार है, ये आदमी इतना टैक्स देने को तैयार है, तो टोटल टैक्स कितना आया, इतना, सड़क तो नहीं बनेगी। कितना कितना टैक्स किससे लें कि ये सड़क बन जाए, अगर ध्यान से देखें कि हम इस बिंदु की बात करें, ये आदमी इतना टैक्स दे रहा है और ये आदमी इतना टैक्स दे रहा है, तो कुल कितना पैसा मिल जा रहा है, बहुत ज्यादा, तो ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार पैसा कमाने की मशीन नहीं है। कितना टैक्स लगे, टैक्स ऐसा लगे, मान लीजिए कि इस आदमी से इतना लिया जाए और इस आदमी से इतना लिया जाए और ये दोनों जोड़कर इसके बराबर हो जाएं। ध्यान से देखते रहिए, एक आदमी ज्यादा टैक्स दे रहा है, एक आदमी कम टैक्स दे रहा है। दिस इज द टैक्स गिवन बाई बी, दिस इज द टैक्स गिवन बाई ए। अगर इसके इधर आ जाएंगे तो सरकार क्या करेगी, प्रॉफिट कमाएगी, और वो सरकार का काम नहीं है। अगर इधर आ जाएंगे इस पॉइंट के तो सरकार को लॉस होगा, ये भी सरकार का काम नहीं है। बेनिफिट थ्योरी कहती है जितना बेनिफिट सरकार दे उतना टैक्स वसूल हो जाना चाहिए, व्हाटएवर
बेनिफिट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग, सरकार जितना लाभ उपलब्ध करा रही है उतना टैक्स के माध्यम से मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिए गलत बात है। तो अगर एक रोड को बनना है, दिस रोड इज द कॉस्ट ऑफ द रोड, तो हम क्या करेंगे, दोनों लोगों की मांग को हॉरिजेंटली नहीं जोड़ रहे हैं, वर्टिकली जोड़ रहे हैं। तो इतना पैसा ये दे रहा है प्लस इतना पैसा ये दे रहा है, दोनों का पैसा जोड़कर इतना हो जा रहा है और ये सरकार को पूरी लागत मिल जा रही है। तो सरकार को टैक्स कैसे लगाना चाहिए, नॉट टू अर्न प्रॉफिट, नॉट टू अर्न लॉस, बट वॉलेंटरी एक्सचेंज, इच्छा से ये लोग इतना इतना पैसा दें। बी ज्यादा दे रहा है क्योंकि उसकी सड़क की इच्छा ज्यादा है, ए कम दे रहा है क्योंकि उसकी सड़क की इच्छा कम है। हो सकता है इसके पास मोटरसाइकिल हो, सकता है इसके पास कार हो, ये अब हमेशा से ज्यादा पैसा देने को तैयार है और ये हमेशा से कम पैसा देने को तैयार है, यानी इसकी क्षमता भी कम है, इसकी क्षमता भी ज्यादा है। द मैन हु हैज मोर एबिलिटी शैल पे मोर टैक्स, द मैन हु हैज लेस एबिलिटी शैल पे लेस टैक्स, बट बोथ ऑफ देम शैल पे द टैक्स इक्वल टू द फुल कॉस्ट ऑफ द रोड। बाबन मॉडल हमने अभी दो से लिया, आप चाहे तो इसमें चार पांच लोग दिखा सकते हैं, छह लोग दिखा सकते हैं। याद रखिए जरूरी नहीं कि डिमांड कर्व ऐसा ही हो, डिमांड कर्व ऐसा भी हो सकता है कि ए की डिमांड कर्व ऐसा है, बी का डिमांड कर्व ऐसा है, कट भी सकता है, सी का डिमांड कर्व ऊपर भी हो सकता है। नापने की चीज क्या, जितने ज्यादा लोग होंगे, मान लीजिए दिस इज द कॉस्ट ऑफ द रोड, दिस इज द कॉस्ट ऑफ द रोड, इस आदमी को पूरी रोड का पैसा देने को तैयार है सब, लेकिन हमको लेना कितना है, इनको ऐसे लें कि इन तीनों का दिस प्लस दिस प्लस दिस बराबर हो जाए, ये टोटल जो पैसा है, इसने इतना दिया, इसने इतना दिया, इतना दिया, दिस इज द टोटल कॉस्ट, इसने थोड़ा ज्यादा दिया, इसने थोड़ा उससे कम दिया, इसने थोड़ा इससे भी कम दिया। हमेशा याद रखिए इसमें जो सप्लाई है फिक्स्ड कॉस्ट है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट जीरो है, पब्लिक गुड्स की मार्जिनल कॉस्ट हमेशा जीरो होती है, इसलिए इसे मार्केट से तो नहीं करा जा सकता। इसीलिए सिद्धांत को हमने क्या लिखा, ऐच्छिक विनिमय, वॉलेंटरी एक्सचेंज। वॉलेंटरी एक्सचेंज माने दोनों ने मिलकर इस लागत को पूरा करना है, तीनों ने मिलकर इस लागत को पूरा करना है। सरकार लाभ कमाने के लिए तो नहीं आई, दैट इज ट्रू, सरकार को प्रॉफिट तो नहीं कमाना है, दिस इज ट्रू, लेकिन प्रॉफिट नहीं कमाने का मतलब यह भी है कि सरकार को लॉस भी नहीं मेकिंग करना है। और सारे लोगों से इस तरीके से टैक्स लिया जाए जो उनकी जरूरत के हिसाब से तो होगा ही, द बेनिफिट दे रिसीव, और लोगों को लगे कि जितना बेनिफिट हम ले रहे हैं उसी के हिसाब से हम टैक्स दे रहे हैं, और सरकार जो अपने काम कर रही है उसमें उसको न ऐसा बना हो कि एक में ज्यादा कॉस्ट हो जाए, एक में कम कॉस्ट हो जाए, इसको भी मेजर करने की जरूरत नहीं है। तो ये कहलाता है बावन मॉडल। बावन मॉडल में हम दो पांच दस कितने भी लोगों को रख सकते हैं। इसी को दूसरे ढंग से प्रेजेंट किया है लिंडहाल महोदय ने। अब हम लोग लिंडहाल महोदय के मॉडल पर चलते हैं। सब एक ही, सब लोग एक ही चीज बताते हैं कि ये मान लीजिए कि जो सरकार टैक्स लगा रही है वो किस प्रकार से लगा रही है। अब इसमें उन्होंने क्या किया है कि दो आदमियों को दिखाया ये डायग्राम, कोई बहुत फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझ में आने में फर्क लगता है क्योंकि ये एक इस आकार का हम डायग्राम बनाते हैं। अब इस आकार का डायग्राम बनाने से क्या फायदा हुआ, इस आइडियाग्राम बनाने का मतलब यह है कि ये कॉस्ट है, यानी टोटल एक इधर से दिखा रहे हैं ओ और दूसरे आदमी को इधर से दिखा रहे हैं ओ डैश। जब एक आदमी को इधर से दिखा रहे हैं, दूसरे आदमी को इधर से दिखा रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए रोड ही की बात कर रहे हैं तो रोड का 25% देने को ये आदमी तैयार है कि 50% देने को तैयार है कि 75% देने को तैयार है कि 100%। हमने कितना लिया, 25%, 50%, 75%, 100%, तो टोटल लागत रोड की कितनी है, 100 है, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। तो अगर ये 100 दे दे रहा है तो इसकी लागत कितनी आई, जीरो। अगर ये 75 दे दे रहा है तो इसकी लागत कितनी आई, 25। अगर ये 50 दे दे रहा है तो इसकी लागत कितनी आई, 50।
अगर ये 25 दे दे रहा है तो इसकी लागत कितनी आई, 75, और इसकी लागत कितनी आई, 100। यानी एक आदमी को हम लेफ्ट के स्केल से ले रहे हैं और दूसरे आदमी को हम राइट के स्केल से ले रहे हैं। यानी दोनों आदमियों को, इसको हमने कहा मिस्टर ए और इसको हमने कहा मिस्टर बी, ये रोड का 25% देने को तैयार है, 50, 75, 100 या 0। ये आदमी 100, 75, 50, 20, 25, 0, कुछ भी देने को तैयार है। एक आदमी को हम किधर से दिखाते हैं डायग्राम, हमेशा ध्यान से देखिए। जब हमने इसका डायग्राम बनाने की कोशिश की, यानी पहले वाले का डायग्राम बनाने की कोशिश की, मान लीजिए कि ये एक ऐसा आदमी है तो ये तो बहुत पैसा देने को तैयार है। इसकी जो डिमांड कर्व है मान लीजिए इस प्रकार की है, इसकी जो डिमांड कर्व है वह इस प्रकार की है। बात साफ कहता है कि अगर मैं पूरी रोड का इस्तेमाल करूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, सामने वाले से मेरे को एक भी पैसा नहीं चाहिए, आई एम रेडी टू पे द 100% टैक्स, और मिनिमम कितना देने को तैयार हूं, चाहे मुझे टैक्स रोड का इस्तेमाल बहुत कम करना पड़े तो भी मैं बहुत कम, यानी अगर इस लाइन को हम इधर की तरफ ले जाएं तो कितना परसेंट देने को तैयार है, 10% भी देने को तैयार है। तो इस आदमी की इच्छा है कि मैं इस काम के लिए इतना पैसा देने को तैयार हूं। ये रोड हो सकती है, ये स्ट्रीट लाइट हो सकती है कि भाई हमारे यहां तक बिजली आए, सड़क पर बिजली चले, मैं तार का और बल्ब का पूरा पैसा देने को तैयार हूं, सामने वाला नहीं देता लेकिन मेरे घर में रोशनी रहेगी, आई एम रेडी टू गिव इट टू यू। अब जब दूसरे वाले को हम लोगों ने कहां से लिया है वो हम लोग देख रहे हैं, तो दूसरे वाले को जब लिया है तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा, यहां से कुछ शुरू होगा। और नॉट नेसेसरली कि आदमी इतना रिच हो कि भाई मैं बहुत ज्यादा पैसा देने को तैयार हूं, लेकिन मैं इतना पैसा देने को तैयार नहीं हूं। यहां तो 100% आ गया और यहां पर आप देखिए ये भी लगभग 10% के करीब। अब प्रश्न है कि कौन कितना पैसा दे, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए कि किस पॉइंट पर कितना पैसा कौन देगा। थोड़ी देर के लिए हम एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, कोई सा ये पॉइंट ले लेते हैं। देखिए ध्यान से, इसने कितना पेमेंट किया करीब करीब, किसने, हम किसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, ये कितना पैसा पेमेंट करने को तैयार है, 75%। याद रखिएगा ये डायग्राम, ये किसकी लाइन है, ये लाइन है बी की। बी कितना देने के लिए तैयार है इस पॉइंट पर, देखिए लगभग लगभग 70% देने के लिए तैयार है। और ये आदमी कितना देने के लिए तैयार है, इसकी लाइन ये है, इस आदमी को इस पॉइंट पर कितना देने को तैयार है, मान लीजिए इस पॉइंट पर ये देने को तैयार है इतना। तो देखिए इसने कितना देने को तैयार हो गया, ये देने को तैयार हो गया 80%, और ये देने को भी तैयार हो गया 70%, तो टोटल कितना पैसा मिल गया, 150%। अब अगर 150%, ध्यान से देखते रहिएगा, ये जो लाइन है, दिस लाइन किसके लिए है, हम इसको लिख ही देते हैं बी बी, ये लाइन किसकी है, ए ए। तो अगर हम एक पॉइंट यहां पर लेते हैं, कहीं पर भी लेते हैं, तो इस पॉइंट पर कितनी हालत है, इसको कहां से नापेंगे, इस तरफ से नापेंगे, ये कितना पैसा देने को तैयार है, 73-74%। और इसी पॉइंट को ऊपर लेगा, ये कितना देने को तैयार है, 78%। दोनों मिलाकर कितना देने को तैयार है, 150%। तो सरकार को इतना पैसे की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सरकार प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है, सरकार सेवा प्रदान करने के लिए है। अब अगर मान ले हम एक पॉइंट यहां ले लें, लेट अस टेक अनदर पॉइंट, इस पॉइंट पर हम देखें, ध्यान से देखते रहें, तो ये लाइन किसको दिखा रही है, ए को दिखा रही है, तो ये कितना पैसा देने को तैयार है, दिस इज ओनली रेडी टू गिव 20%। और ये लाइन यहां दिखा रही है, ये कितना देने को तैयार है, 15% या 20%। तो दोनों जने 20% देने को तैयार हैं, तो कितना पैसा आया सरकार के पास, 40%। ये भी ठीक नहीं है, केवल एक पॉइंट ऐसा है जहां पर यह भी लगभग लगभग 50 से कुछ कम दे रहा है और यह लगभग 50 से कुछ ज्यादा दे रहा है। देखिए ये 50 से कुछ ज्यादा दे रहा है, ये 50 से कुछ ज्यादा दे रहा है। इस पॉइंट पर अगर हम करें तो जो टोटल कॉस्ट आएगी दोनों की बराबर बराबर बढ़ जाएगी। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इस आदमी को हम किस डायग्राम से देखते हैं, इस वाले से देखते हैं तो 52%, और इसको इधर से देखते हैं तो इट इज 0 से 48%। तो ये 52% दे रहा है, ये 42.8% दे रहा है,
दोनों अलग अलग रेट पर दे रहे हैं, इसलिए ये मिलाकर 100% हो गया। जरूरी नहीं कि लाइनें ऐसी ही हों, ये लाइनें यहां से भी शुरू हो सकती थी। कहने का मतलब है कि दोनों जनों को मिलकर फुल कॉस्ट अदा करनी है। ये दो जने हो सकते हैं, ये दो समाज हो सकते हैं, ये दो मोहल्ले हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जिनको ये लाभ मिल रहा है उनको फुल कॉस्ट बियर करनी है, क्योंकि द बेनिफिट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल कॉस्ट। अगर कॉस्ट ज्यादा है बेनिफिट से, तब शायद उस प्रोग्राम को अपनाना ही नहीं चाहिए, उस प्रोग्राम को छूना ही नहीं चाहिए। यदि बेनिफिट ज्यादा है तो निश्चित रूप से थोड़ा थोड़ा कम लेकर के कॉस्ट बराबर कर देना चाहिए। यहां पर भी अगर आप देखें तो एक ज्यादा पेमेंट कर रहा है, एक कम कर रहा है। वॉलेंटरली हमने ये जो रेखाएं बनाई हैं, कौन सी बनाई हैं, उससे पूछकर कि भाई मांग है सड़क की तुम्हारी, तुम कितना पैसा देने को तैयार हो। एक बार सड़क बन जाएगी तो खूब इस्तेमाल करेगा। ये कहेगा मैं तो पूरा पैसा देने को तैयार हूं, बी को चलने ही मत दो इस सड़क पर, मैं पूरा पैसा दे दूंगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब सड़क बन जाएगी तो बी तो चले गई, फ्री राइडिंग बिहेवियर हो जाएगा। तो वो कहेगा नहीं भाई मैं देने को तैयार हूं, उससे भी पूछ लीजिए कितना देने को तैयार है। तो हमने बी की भी एक एक्सचेंज रेखा बना दी, बी की भी एक लाइन बना दी। जब हमने दोनों की एक एक लाइन बना दी तो जिस पॉइंट पर दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है उस पॉइंट पर हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम की स्थापना हो जाएगी। बिल्कुल वैसा ही मॉडल ये भी है। यहां पर दो व्यक्ति, दो मोहल्ले, दो परिवार, दो समाज, कुछ भी हम नाप सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कभी कभी ऐसा हो सकता है दो देश मिलकर आपस में एक करोड़ बना लें, जिससे उन देशों के बीच का आवागमन आसान हो जाए। दैट कैन ऑल्सो बी डन। इसको कहते हैं वॉलेंटरी एक्सचेंज थ्योरी। तो जो बेनिफिट थ्योरी है, बेनिफिट थ्योरी बेसिकली क्या है, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू, ये दो थ्योरीज का संगम है। पहली थ्योरी क्या बताती है, जिसे कॉस्ट ऑफ सर्विस कहा हमने या बेनिफिट कहा, जिस आदमी को बेनिफिट मिलेगा उसको टैक्स देना चाहिए, क्योंकि सरकार की सेवाएं बेनिफिट प्रदान करने के लिए होती हैं, इसलिए बेनिफिट के बदले में टैक्स मिलना चाहिए। प्रश्न है टैक्स कितना कितना दें, उनकी एबिलिटी, लेकिन एबिलिटी को डिफाइन कैसे करें। एक एबिलिटी को डिफाइन करने का तरीका हम लोगों ने पहले पढ़ा था, जिसको हमने क्या कहा था, टोटल इक्वल सेक्रीफाइस, इक्वल एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस, इक्वल प्रोपोर्शनल सेक्रीफाइस, इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस। ये कहते हैं कि हम उसको नापना बड़ा कठिन है, हम क्यों ना व्यक्ति से ही पूछ लें कि तुम कितना पैसा दोगे। अगर बाजार में तुम सेब खरीदने जाते हो तो पैसा देने को तैयार हो, तो अगर बाजार में सड़क चाहते हो, बिजली का बल्ब चाहते हो, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहते हो, पुलिया चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, तो वॉट एवर यू वॉन्ट, हाउ मच आर यू रेडी टू पे, वॉलेंटरली आप इसका कितना पैसा देने को तैयार हैं। ऐच्छिक विनिमय सिद्धांत, यह सिद्धांत बताता है कि हम लोगों को इच्छा के हिसाब से टैक्स हमारे ऊपर बटना चाहिए। मुझे लगता है कि दोनों डायग्राम बहुत आसान हैं, तो मैं इनके साथ साथ आज एक चीज और पढ़ा देना चाहता हूं। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, बहुत छोटा सा एक टॉपिक मैं और पढ़ा देता हूं इसी के साथ, कोई यस सर, दिक्कत। नो सर, बहुत सिंपल डायग्राम थे दोनों के दोनों, राइट। तो मैं इसी के यस सर, साथ एक और चीज थोड़ी सी आपको जोड़ के पढ़ा देता हूं, जिसका मतलब क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग अब प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन का एक और हिस्सा पढ़ते हैं। थैंक यू, ऑल क्लियर कहने वाले लोग बड़े अच्छे हैं, कम से कम समझ में तो आ ही रहा है सबको। तो हम एक छोटी सी चीज और पढ़ा देते हैं, उस पर एक शॉर्ट नोट अक्सर आता है, तो मैं चाहता हूं कि शॉर्ट नोट को भी आप पढ़ें। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, जितने भी ये सिद्धांत आप पढ़ेंगे उनके नीचे आलोचना करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि इनमें व्यवहार, किस आदमी को कितना बेनिफिट मिला, कितना पैसा देगा, कैसे नापेंगे। हर आदमी कहेगा नहीं, सड़क बनाने की क्या जरूरत है, हम तो बिना सड़क के ही काम चला ले रहे हैं, क्योंकि उसको मालूम है सड़क बन जाएगी तो उसका फायदा होगा। तो
इसको मेजर करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है, बहुत ही मुश्किल काम है, शायद संभव नहीं होता। अब हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, इनफैक्ट तो इसे कहना चाहिए मेथड्स, लेकिन इनको भी प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन कहते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन अब हम जिनके बारे में बात करेंगे वो क्या कहेंगे, इसको ध्यान से देखिए। हम कहते हैं कि इनको चार भागों में बांटते हैं, और इनको मैं सबका एक एक डायग्राम और टेबल पूरा बनाता चला जाता हूं। यहां टेबल बनाऊंगा और यहां डायग्राम बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत छोटा सा सवाल है, कभी भी आ सकता है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। पहला कहलाता है रिग्रेसिव। रिग्रेसिव माने प्रतिगामी। प्रतिगामी का मतलब होता है कि जो टैक्स है उस पर क्या फर्क पड़ता है। एक चीज याद रखिए, इसकी जो डेफिनेशन है वो बड़ी अलग है, और किताबों में कहीं कहीं गलत लिखी हुई है। उसको समझने की जरूरत है कि हम लोग क्या बतलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। व्हेन टैक्स रेट्स आर रिड्यूस्ड विद राइजिंग इनकम। देखिए लिख क्या है, मतलब क्या है, समझना अलग अलग होता है। जब कर की दरें आय बढ़ने के साथ कम हो। बाहर दोनों चीजें बड़ी ध्यान से रखिए, कर की दरें, दरें आय बढ़ने। इसको ऐसे टेबल बना लेते हैं पहले, फिर डायग्राम भी बन जाएगा, कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, डायग्राम तो एक ही साथ सबका बना देंगे। मान लीजिए, लेकिन लिखते ये हैं, मतलब कुछ और होता है, फिर से समझने की कोशिश कीजिए इसका मतलब क्या होता है। और पहली चीज क्या लिख रहे हैं, इनकम। दूसरी चीज क्या लिख रहे हैं, टैक्स रेट। फिर क्या लिख रहे हैं, टैक्स रेवेन्यू। इनकम मान लीजिए 10,000 प्रति महीना, 50,000 प्रति महीना, 2 लाख प्रति महीना, 5 लाख प्रति महीना, 5 लाख से अधिक। अब 10,000 वाले पर हम कहें कि 20% टैक्स। आमदनी कितनी हुई, नेचुरली 2,000। 50 वाले पर हम कहें 15% टैक्स। इनकम बढ़ी, रेट ऑफ टैक्स घट गया, लेकिन यहां पर याद रखिए कि यहां पर क्योंकि 50,000 है तो ये टैक्स कितना मिला, 7,500। ये कभी नहीं होता कि टैक्स रेवेन्यू घटना जरूरी है। 2 लाख पर हम कहें, थोड़ी देर के लिए मान लें, 10% टैक्स, तो ये कितना हो गया, नेचुरली 20,000। 5 लाख पर हम कहें 5% टैक्स, ये कितना हो गया, 25,000। 5 लाख से ऊपर वालों पर हम कहें 4% टैक्स, मान लीजिए ये हो गया, थोड़ी देर के लिए ये 25,000 हुआ, तो ये मान लीजिए हो गया 50,000। कभी ये मत सोचिएगा कि टैक्स रेवेन्यू घटेगा। टैक्स रेवेन्यू ध्यान से देखिए घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। इससे 2,000 ले रहे हैं, इससे 50,000 ले रहे हैं। रिग्रेसिव का मतलब क्या है, इट शेल बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। विद द इंक्रीज इन इनकम द रेट्स डिक्लाइन। रेट्स, टैक्स रेट्स डिक्लाइन। अगर हम इसको डायग्राम से ऐसे बनाएं तो कैसा बनेगा, अपने आप ध्यान से देखिए। इधर हम क्या देख रहे हैं, ये क्या है, इनकम, इनकम बढ़ रही है, और इधर हम टैक्स रेट दिखाएं तो ये कैसा जाएगा, कुछ इस प्रकार का जाएगा। टैक्स रेट ऐसा जाएगा, टैक्स रेवेन्यू ऐसा नहीं जाएगा। लेट मी बी वेरी क्लियर, दिमाग में अपने बैठा लीजिए, टैक्स रेवेन्यू ऐसा नहीं जाएगा, दिस इज टैक्स रेट। तो जब भी आप टेबल बनाएं तो इसको जरूर दिखाएं, क्योंकि प्रतिगामी कर प्रणाली क्या होती है, बिल्कुल इसका मतलब कुछ और होता है, रिग्रेसिव का मतलब कुछ और होता है।
रिग्रेसिव का यह मतलब है कि मान लीजिए कि अगर हम आटे पर टैक्स लगाएं तो इसे रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं, क्योंकि आटा गरीब आदमी भी इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर हम कार पर टैक्स लगाएं तो इसे प्रतिगामी कर नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि आय का इस्तेमाल कार का कौन करेगा? बहुत धनी लोग करेंगे। तो प्रतिगामी कर का मतलब ही यहां कुछ और है। यहां प्रतिगामी कर का मतलब है कि टैक्स की रेट घटेगी विद दी इनकम। नेक्स्ट होता है, ये हो गया ए, तो नेक्स्ट होता है प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है कि जितनी आपकी आय है, ये तो मैंने पढ़ाया ये अभी थोड़ी देर पहले, हर एक पर टैक्स रेट कितना होना चाहिए? 20%। चाहे जितनी इनकी इनका आपकी इनकम हो, ये 20% होना चाहिए। यानी प्रोपोर्शनेट टैक्स कैसा होगा? 20% फिक्स कर दिया कि ये भाई 20% होगा। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ रेवेन्यू बिल्कुल फर्क पड़ जाएगा। इनका 2,000 है तो ये 50,000 वालों का 20% के हिसाब से ही जाकर 20% के हिसाब से ही 10,000 हो जाएगा, इनका और ज्यादा हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनेट जो है उसमें टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्रतिगामी में नहीं भी बढ़ सकता है। प्रतिगामी में इट कैन स्टैंड स्टिल, इट कैन गो डाउन, इट कैन गो अप, लेकिन जनरली होगा क्या? गो अप। लेकिन क्या चीज जरूर घटेगी? टैक्स रेट जरूर घटेगा। प्रोपोर्शनेट में टैक्स रेट नहीं घटता, एक ही बराबर रहता है। इसे आनुपातिक कर प्रणाली कहते हैं। एक्चुअली इन्हें सिस्टम कहना चाहिए, सिस्टम्स ऑफ टैक्सेशन कहना इन्हें सिस्टम ही चाहिए। अब तो शायद लिखते भी सिस्टम सी है, कर प्रणाली, प्रतिगामी कर प्रणाली और प्रोपोर्शनेट कर प्रणाली। फिर दूसरी होती है, तीसरी होती है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव को हम कहते हैं अनुगामी, यानी बढ़ने वाली। इसके लिए भी बिल्कुल सिंपल तरीका अपना लेते हैं, नया टेबल बना लेते हैं, डायग्राम तो वही बन जाएगा हमारा कि मान लीजिए 50,000 है, मान लीजिए 2 लाख है, मान लीजिए 5 लाख है, मान लीजिए 10 लाख है, मान लीजिए 50 लाख है। तो इस पे क्या करेंगे? इस पर 5% टैक्स, इस पर 8% टैक्स, इस पर 10% टैक्स, इस पर 15% टैक्स, इस पर 25% टैक्स। इनकम बढ़ती जाएगी, टैक्स बढ़ता जाएगा। यहां टैक्स रेवेन्यू शो करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बढ़ेगा ही, इनकम भी बढ़ रही है, ये भी बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग कहां से शो करते हैं? नीचे की तरफ से शो करते हैं। और जनरली याद रखिए, जनरली याद रखिए, ये क्या हो गई? प्रोग्रेसिव। ये क्या हो गई? प्रोपोर्शनेट। ये क्या हो गई? रिग्रेसिव। हर आदमी प्रोग्रेसिव टैक्स प्रणाली के बारे में बहुत बात करता है, लेकिन कुछ क्यों मुझे एक आध और सिद्धांत भी बीच में पढ़ाने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में किसी भी देश में इन तीनों में से कोई प्रणाली नहीं अपनाई जाती। हमेशा दुनिया में डाइग्रेसिव प्रणाली अपनाई जाती है। ये डाइग्रेसिव क्या होती है? डाइग्रेसिव ये होती है कि इसमें 50,000 पे 5, 2 लाख पे 8, 5 लाख पे 10, 20 लाख पत्ता 50, इसके बाद चाहे 1 करोड़ हो जाए तो भी 25%, 5 करोड़ हो जाए तो भी 25%, 10 करोड़ हो जाए तो भी 25%, इससे बढ़ेगी नहीं। इसे क्या कहते हैं? शुरू में प्रोग्रेसिव और बाद में प्रोपोर्शनेट। इस सीमा के बाद नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती? इसका मैं कारण भी बताऊंगा। इस सीमा के बाद नहीं बढ़ती। इसमें क्या होगा? ये देखिए ध्यान से, चलेगी तो प्रोग्रेसिव की तरह, प्रोग्रेसिव की तरह चलने के बाद एक पॉइंट के बाद ये कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं? डाइग्रेसिव। हिंदी में इसका कोई नाम मुझे नहीं मालूम है, जो लिखा है किताब में वो तो गलत है ना। ये कैसी प्रणाली है? प्रोग्रेसिव माने प्रगतिशील, और थोड़ी दूर के बाद क्या हो जाती है? प्रोपोर्शनेट। तो प्रोग्रेसिव प्लस प्रोपोर्शनेट इज कॉल्ड एज डाइग्रेसिव। इट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, बढ़ती दर से बढ़ती है, और एक बिंदु के बाद जाकर ये सीधी हो जाती है। क्यों हो जाती है? इसके लिए हम लोगों को एक छोटी सी थ्योरम पढ़नी है, जो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। वो छोटी सी थ्योरम को हम लोग
लेफर कर्व के नाम से पुकारते हैं। तो मैं लेफर कर्व भी, क्योंकि बहुत ही छोटी सी चीज है, मैं उसको भी आपके सामने रख देता हूं ताकि आप लोगों को डायग्राम और आसानी से समझ में आने लगे। इस एक बहुत मशहूर अर्थशास्त्री हैं लेफर, इन पर पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा। इन्होंने एक लेफर कर्व बनाई है। लेफर कर्व हर किताब में बड़ी मजेदार बनी है, आप ऐसी मत बनाइएगा, हम जैसे बना रहे हैं वैसी बनाइएगा। लेफर कर्व में इधर क्या लिखते हैं, ध्यान से देखते रहिए, टैक्स रेट, और इधर क्या लिखते हैं, टोटल टैक्स रेवेन्यू। हमेशा क्या लिखा जाता है, टैक्स रेट उधर लिखा जाता है, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। टैक्स रेट 5%, 10%, 15%, 25%, 27.2, ये सरकार की आय है, टोटल पब्लिक रेवेन्यू है। लेफर महोदय कहते हैं कि शुरू में अगर जीरो रखिएगा टैक्स तो इनकम जीरो होगी, ज्यों ज्यों आप टैक्स बढ़ाइएगा तो सरकार की आमदनी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जो जिसके बाद सरकार की आमदनी बढ़नी बंद हो जाएगी और फिर ये धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाएगी। लेफर महोदय कहते हैं ये 27.2%, लोग वो कहते हैं जो जो टैक्स की आप परसेंटेज बढ़ाते जाइएगा निश्चित रूप से लोग ज्यादा टैक्स देंगे, सरकार की आमदनी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक पॉइंट के बाद अगर आपने टैक्स बढ़ाया तो लोग कर चोरी करने लगेंगे, कर चोरी करने लगेंगे, और जब ये कर चोरी करने लगेंगे तो फिर आपकी आमदनी घटती चली जाएगी। ऐसा डायग्राम कई जगहों पर मिलता है। मैंने ये आपको सावधानी के लिए बता दिया कि अगर आपने ये डायग्राम बनाया तो हम लोग आपको कितना नंबर देंगे, जीरो। क्यों ऐसा बनाया लोगों ने मैं नहीं जानता हूं, लेकिन लोगों ने ऐसा ही बनाया है। कई किताबों में, हिंदी की किताबों में ऐसा है, मेरे को एस एन लाल की किताब का याद नहीं है, लेकिन मैं हिंदी की किताब का बहुत सी जगहों का मैं बताता हूं। हमेशा याद रखिए, कोई भी चीज हो, रेट हमेशा वाई एक्सिस पर ही रखना है, हमेशा, चाहे कुछ हो जाए। और ये डायग्राम कैसा बनेगा, ध्यान से देखिए, टैक्स रेवेन्यू एट दी मोस्ट एंड देन इट विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग, ये शेप है लेफर कर्व की। और इस पॉइंट पर जिसको हमने कहा, हम कहते हैं कि इसके बाद लोग टैक्स की चोरी करना शुरू कर देते हैं, ये एक रेट होता है 27.5 या कुछ, अगर इसके बाद 30% कर देंगे, 35% कर देंगे, 40% कर देंगे, 50% कर देंगे, तो ये घटने लगेगा। तो लेफर कर्व के हिसाब से पूरी दुनिया में ने क्या किया है, अभी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था इससे पहले वाले डायग्राम में, वो क्या था कि लोग कहते हैं कि टैक्स बढ़ाइए 5%, 10%, 15, लेकिन अगर आपने 30 के ऊपर किया, जैसे भारत में 1987 में हाईएस्ट टैक्स रेट कितना था, 92%, लोग टैक्स देते नहीं थे, टैक्स चोरी करने लगते थे। तो इसके बाद फिर नया नियम बना और फिर ये दुनिया भर में लागू हो गया। अगर आप ध्यान से देखें कि भारत में टैक्स रेट क्या है, 5%, 10%, 20%, 30%, इसके ऊपर थोड़ा सरचार्ज लगता है, लेकिन सरचार्ज 30% के ऊपर लगता है, जिसको कहते हैं नियो रिच टैक्स। नियो रिच माने जो बहुत धनी लोग हैं उन पर कुछ हम सरचार्ज यानी अधिभार, अधिभार माने टैक्स के अलावा कुछ लगा देते हैं, और ये अधिभार भी जनरली 3% से ज्यादा नहीं होता, कभी कभी 5% भी हो जाता है। तो मैक्सिमम टैक्स रेट भारत में अगर देखा जाए तो कितना है, 33% से ज्यादा नहीं है, ये न्यू रिच का है। ये न्यू रिच बहुत कम लोग होंगे, माने इसके बाद थोड़ा सा एक स्लैब और बना देंगे, लेकिन इस स्लैब के बाद ऊपर नहीं बढ़ाते। तो टैक्स रेट आजकल दुनिया में कैसे होते हैं, शुरू में प्रोग्रेसिव और एक बिंदु के बाद दे बिकम डेग्रेसिव। क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तरीके से उसके बाद और लोगों की टैक्स नहीं बढ़ रहा है तो इसलिए रेग्रेसिव से जोड़ देते हैं, लेकिन इसका नाम होना चाहिए क्या, प्रोपोर्श, प्रोग्रेसिव प्लस प्रोपोर्शनल। तो ये कर प्रणालियां हैं, रेग्रेसिव कर प्रणाली जब गरीबों पर कर लगे, प्रोग्रेसिव प्रणाली जब बहुत अमीरों पर कर लगे, प्रोपोर्शनेट माने सब पर लगे। याद रखिए, इसको क्या कहेंगे, इक्वल एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस, इसको क्या कहेंगे, इक्वल प्रोपोर्शनल सेक्रीफाइस।
इसको क्या कहेंगे, रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव को क्या कहेंगे, इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस। लेकिन अब इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस जो भी है उसको हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्स करने से कर चोरी होती है, इसलिए हम लोग इस सिस्टम को नहीं अपनाते हैं। इसलिए हम लोग कौन सा सिस्टम अपनाते हैं, डाइग्रेसिव प्रगतिशील धन आनुपातिक, प्रगतिशील धन आनुपातिक, प्रोग्रेसिव प्लस प्रोपोर्शनल। और ये सिर्फ व्यवहारिकता के लिए किया जाता है, माना तो अच्छा जाएगा प्रोग्रेसिव, अगर आपकी आमदनी ज्यादा है तो आपको ज्यादा टैक्स दें, लेकिन वो थ्योरी हो जाती है। निश्चित रूप से अगर आप किसी के 100 रुपए पर 97 रुपए टैक्स लगाने लगे तो कर की चोरी करना शुरू कर देगा, ब्लैक मनी जनरेट हो जाएगा, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए हम लोग इस प्रकार का काम नहीं करते हैं। तो ये कहलाती हैं कर प्रणालियां। कर प्रणाली में आप चार टेबल बनाकर, चार डायग्राम बनाकर आराम से प्रस्तुत कर सकते हैं। दिस इज व्हाट यू कैन डू। ठीक हो गया? यस सर, यस सर। यस सर। अभी हम लोगों को, अब हम पढ़ाएंगे डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस, है ना, कल से शुरू करेंगे। ठीक, तो आज फिर छोड़ देते हैं और बाय बाय थैंक यू करते सर। हैं। थैंक सर कुछ यू। क्वेश्चन। मनस्वी पूछ लो। सर 1987 में 92% टैक्स क्यों हो गया था? क्योंकि हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्स प्रणाली अपनाते थे, जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा टैक्स। तो जो लोग 10 करोड़ रुपए कमाते थे उस जमाने में, बहुत बड़ी आमदनी, उस पर हम लोग टैक्स बढ़ाते जाते थे। तो पहले हम लोगों ने कोई लिमिट नहीं रखी थी, 10, 20, 30, 35, 40, 50, 55 ऐसे बढ़ाते चले जाते थे, उन पर सरचार्ज बढ़ाते चले जाते थे। फिर जानती है क्या हुआ, लोगों ने कर चोरी करनी शुरू कर दी। जब कर चोरी करनी शुरू कर दी तो हम लोगों ने टैक्स रिफॉर्म किए, डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म। तो एक डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म की कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने बताया कि जैसा पूरा दुनिया करती है वैसे ही करना पड़ेगा, मैक्सिमम टैक्स लेवल 40 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो जनरली लोग दुनिया में 40 रखते हैं, भारत ने 33 रखा है प्लस कुछ और रखा तो सर 92% केवल रिचर्स के लिए था। है। जितना धन बढ़ता जाए, जिसकी आमदनी, किसी का 87% था, किसी का 75% था, किसी का 70% था, जितनी आमदनी बढ़ती जाए उस हिसाब से टैक्स बढ़ता जाता था। हाईएस्ट स्लैब 92 था, हाईएस्ट स्लैब। ओके सर। सर लेफर कर्व में आपने बोला कि टैक्स रेट को वर्टिकल रखेंगे, सर टैक्स हॉरिजॉन्टल? रेट हमेशा ओ वाई एक्सिस पर रहेगा, यस सर। रेवेन्यू हमेशा ओ एक्स एक्सिस पर रहेगा। रट डालिए, इसको बदलिएगा मत। सर अगर बदल गया तो क्या हो जाएगा? तो फिर वही बात है, डायग्राम गलत हो जाएगा। सर बता तो दोनों सेम ही शो कर रहे हैं। नहीं, दोनों शो शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक्स एक्सिस पर टैक्स रेट दिखाएंगी तो वो एग्जैक्टली आपकी पोजीशन को क्लियर नहीं। ओके सर। ठीक, सर तो क्या जो एक्स एक्स एक्सिस पे जो टैक्स रेट है वो गलत है? हाँ, टैक्स रेट, प्राइसेस, ये सब हमेशा वाई पर ही दिखाए जाएंगे। सर क्या व्हीकल्स पर भी टैक्स रेट लगते हैं, टैक्स लगते हैं? वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कल पढ़ाएंगे। सर टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू में सर कौन सा पहले आता है? पहले वो टैक्स रेट, फिर रेवेन्यू। रेट माने कर की दर फिक्स कर देंगे, जब कर की दर फिक्स कर देंगे तो लोग अपनी आय के हिसाब से रेवेन्यू देंगे, तो टैक्स रेवेन्यू बाद में आएगा, टैक्स रेट पहले आएगा। थैंक थैंक यू सर। थैंक एवरीबडी, यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।